दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय VMRT नर्सिंग कॉलेज पालमपुर। विश्व धरोहर के रूप में विख्यात शिमला कालका चलती रेल में हिमालय साहित्य संस्कृति व पर्यावरण मंच द्वारा शनिवार को 5वीं बाबा भलकू स्मृति साहित्यिक रेल यात्रा का राष्ट्र स्तर पर आयोजन किया गया। इस यात्रा में देश और प्रदेश के विभिन्न भागों से स्थानीय लेखकों सहित 35 लेखक, पत्रकार, रंगकर्मी और लोक गायक शामिल हुए। सभी लेखक बस से झाझा चायल बाबा भलकू की पुश्तैनी गांव और घर गए। वह चलती रेल में कहानी, संस्मरण, कविताएं, गजल, संगीत के कई सत्र रेलवे स्टेशनों के नाम से संपन्न हुए। शनिवार को सभी लेखक व गायक बड़ोग रेलवे स्टेशन उतरे व यहां पर उन्होंने संस्कृति का आदान प्रदान किया। संस्कृति और पर्यावरण मंच है हमारी संस्था जो 5 साल से इस यात्रा को कर रही है। 2 दिवसीय यात्रा होती है जिसमें हम बाहर से भी अब लेखक 15 या 20 लेखक बाहर से भी आते हैं और कुछ हम स्थानीय लेखक और हिमाचल के कोने कोने से आते हैं। इस यात्रा का नाम बाबा भलकू स्मृति कालका शिमला साहित्य यात्रा है और ये देश की एक ऐसी यूनिटी यात्रा है जो चलती ट्रेन में हम गोष्ठियाँ करते हैं, कविताएँ सुनाते हैं, गीतों के सेशन होते हैं, गजलों के सेशन होते हैं, हमारे संस्मरण और कहानियों के सेशन होते हैं। किस माने हम बाबा भलकू को जो इस रेल के जनक माने जाते हैं, सर्वेयर माने जाते हैं, उसको याद करते हैं। पहले दिन वो ब्लॉग आते हैं, ब्लॉग से फिर वापिस जाते हैं शिमला और दूसरे दिन की यात्रा शिमला से हम चायल और झाझा गाँव उनके गाँव चलते हैं। कितने कवि आ रहे हैं? 35 लोग। और कितने साल आ रही है? 5 साल से हम कंटिन्यू करते हैं और आगे तो देखते हैं कि हम इस यात्रा में जैसे मीडिया है, आप लोग ये सब वो हमारा सहयोग करें और ताकि हम अपने हीरोज को जो मतलब हाशिए पे चले गए हैं या जिनको बुलाया जा रहा है, ऐसे लोगों को याद करें और अधिक से अधिक लोगों को साहित्य से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें, क्योंकि हम कवि लेखक हैं तो इसीलिए हम अपने तरीके से याद करते हैं उनको, कविताएं सुना के बाबा भलकू को। तो मेरा यही है कि ये हमारी धरोहर है और इस ट्रेन को, इस रेलवे लाइन को 24 साल बने हुए हो गए हैं और हम सौभाग्य चाली है कि आज भी इससे विजिट कर रहे हैं हम लोग इकट्ठे होके, और ये देश की अनूठी यात्रा है इस तरह की। और इसमें मतलब मेरे कहने का मतलब है हम किसी ना किसी बहाने अपने हीरोज को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को और पर्यावरण को याद करें, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, गीतों के माध्यम से हो या सामूहिक काम करने के माध्यम से। मैं अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं हिमालयन संस्कृति पर्यावरण मंच का स्वागत करता हूँ जो कि यहाँ पे 6th टाइम आ रहे हैं। बाबा भलकू स्मृति मंच जो तैयार किया गया है उनकी छठी यात्रा है। फिलफोर्ड फोरम की तरफ से मैं उन सभी का, जितने भी पूरे प्रदेश से, पूरे देश से 35 यहाँ पर लेखक, कवि और गज़ल लेखक जो हैं यहाँ पर पधारे हैं, एकत्रित हुए हैं दोनों के अंदर, मैं फिलफोर्ड फोरम की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। जैसा कि फिलफोर्ड का उद्देश्य रहा है कि भी संस्कृति को बढ़ाना, और हम प्रीवियसली पिछले 35 सालों में इसी चीज़ के अंदर कार्यरत हैं और जितने भी हम कलाकार हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसी श्रेणी में पिछले 2-3 सालों से फिलफोर्ड फोरम अग्रणी रहा है इन लेखकों का, और जितने भी यहाँ साहित्यकार आए हैं उनका स्वागत करने के लिए हम हमेशा यहाँ पर एकत्रित होते हैं और इस कड़ी में इस साल भी हम यहाँ पर रहा रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। VMRT इस वर्ष नर्सिंग कॉलेज शुरू करने जा रहा है। इस शिक्षण संस्थान का नाम कारगिल वॉर के पहले शहीद एवं पालमपुर के बेटे कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर रखा गया है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता और प्रदेशवासियों से किया गया वादा पूरा करते हुए शांता कुमार जी ने नर्सिंग कॉलेज की सौगात प्रदेशवासियों को दी है। कॉलेज को BSc नर्सिंग की 40 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त है। कॉलेज सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, हाईटेक लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब्स, वाईफाई कैंपस और CCTV जैसी सुविधाओं से पूर्ण है। कॉलेज का हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए खेल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है।